यार तुम जाएंगे जरूर अपने देश, अपने मकान में। इतने 4-5 मंजिलों का मकान थे, इतने इतने बड़े बड़े कमरे थे, और यहाँ पर एक ये तो हमारी लैट्रिन होती थी वहाँ हमारे कश्मीर में का सब कुछ तो हमने सह लिया है। मेरा मानना है कि उस समय जन्नत था कश्मीर, जो जन्नत बेनज़ीर जिसको हम कहते हैं। मैं तो चाहूँगा कि जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, जितने मेरे हमसाये हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, वो वापस आ जाएं, ताकि मैं फिर से उनके साथ अपना दुख दर्द बांट लूँ, उनके साथ खुशियाँ बांट लूँ। हम कश्मीर चाहते हैं, हम कश्मीर में रहना चाहते हैं। ये हमारे पंडित जो यहाँ से जा चुके हैं, हमें खुशी इस पर नहीं है। मैंने लिखा है, ओ जुर्द डाल लालवा बुसर पंपोश लग सिकलन अंदर शाठन फलन कत जाफरी जल छम न यवा सौंदरी। ठीक पन्नस घरस मं जान पे जब मैं जम्मू जाऊंगा मेरी जिंदगी खत्म, इसलिए मैं यहाँ ठहरा। अस हमसाय असल असल सारे पन्न अशनवन हंद खे हमसाय असल कह दोद दग कहान बस तो हम यही चाहते हैं कि अगर हम 808 फैमिलीज हैं, कम से कम और 70-80 हज़ार फैमिलीज आ जाएं या 50 हज़ार ही आ जाए, ताकि हम एक जुट हो के मिल के बैठ के जो भी हमारे ग्रीवेंसेस है, चाहे मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के साथ है, माइनॉरिटी को मेजॉरिटी के साथ है, वो मिलजुल के बैठ के अपनी अपनी जो तकलीफें जो हमने पिछले 27 साल झेली हैं, वो आपस में बांट के, तभी तो कोई सोल्यूशन निकलेगा। जो कश्मीरी पंडित यहाँ से भाग गए हैं, जो कि आज जम्मू में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ वापस आ जाए, क्योंकि उनकी ज़मीन है यहाँ पे, उनके घर है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि अगर वो वापस आए तो हम उनका मोस्टली वेलकम करेंगे। यहाँ हमारे पंडित भाई बिरादरी के तौर से यहाँ पर जम्मू चले गए हैं, अगर वो यहाँ से आना चाहते हैं, हम उनका यहाँ पर बहुत खैर मकदम मोस्ट वेलकम करना चाहते हैं। मेजॉरिटी यहाँ की है वो डल लेक जैसा समझ लीजिए, उसमें जो लोटस है पंपोष जो उसका है वो पंडित था। हमें इस चीज से खुशी नहीं है, उन बेचारों को क्षेत्रों में, उन खेमों में, सड़क पर बिचू ने खा लिया, उनको सांपों ने डस लिया, उनके बुजुर्गों को, बच्चों को, हमें खुशी नहीं है।